हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि YouTube वीडियो में फ़ोन स्क्रीन कैसे लगाएं वीडियो एडिटिंग में। और मैं जिस सॉफ्टवेयर से आपको बताने वाला हूँ कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन है वो आप YouTube वीडियो के अंदर है वो कैसे लगाओगे, वो मैं कैमटीसा सॉफ्टवेयर से बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप देखें, तभी आपको वीडियो वो समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि YouTube वीडियो में फ़ोन स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो कैसे एडिटिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने कैमटीसा सॉफ्टवेयर है वो ओपन किया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि मोबाइल की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको हम लोग YouTube वीडियो में है वो कैसे यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे यहाँ पे एक ये मोबाइल ग्रीन इफेक्ट डाउनलोड किया हुआ है। इसकी जगह आप फोटो भी यूज़ कर सकते हो और फोटो यूज़ करने के साथ साथ आप चाहो तो ये ग्रीन इफेक्ट भी है वो यूज़ कर सकते हो, कहीं से भी डाउनलोड कर लेना जो ग्रीन इफेक्ट हो। और ये मेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग है जो मैंने मोबाइल से की है, अभी जो कल मैंने वीडियो लगाया उस वीडियो का ही ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को वीडियो एडिटिंग में सेट कर सकते हो यूट्यूब वीडियो अपलोड के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने ये ग्रीन इफेक्ट है वो इसके अंदर ले लिया, ये देखिए। तो इस ग्रीन इफेक्ट में है क्या, ये देखिए मोबाइल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस टाइप का मोबाइल है और हमें इस पे है वो सेट करना है। तो ये जो खाली जो थोड़ा सा आता है कुछ सेकंड के लिए, मैं इसको कंट्रोल के साथ डिलीट कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब मुझे इसके ऊपर है वो मेरी वाली मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है वो सेट करनी है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा और मेरे जो मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है वो मैं इस वीडियो के ऊपर लेके आऊँगा। ध्यान रखना उस वीडियो के ऊपर लेके आनी है, ठीक है। तो मैंने ये इस पर सेट कर रहा हूँ, देखिए आप भी एकदम प्रॉपर है वो सेट करने की कोशिश करना ताकि थोड़ा भद्दा ना दिखे। ये देखिए, और नीचे से भी थोड़ा सेटिंग कर देता हूँ एकदम अच्छे से, ये ली, ठीक है हो गया। अब आपको क्या करना है, ये पीछे जो आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है इस ग्रीन इफेक्ट को हटाना है। तो मैं कैसे हटाऊँगा, मैंने यहाँ से एक इमेज उठाई और इस इमेज को कैमटीसा के अंदर है वो लेके गया और कैमटीसा के यहाँ नीचे वाली वन नंबर जो ट्रैक है ना आपको खाली दिखाई दे रहा है उस ट्रैक पे मैंने उस इमेज को वो पेस्ट कर दिया। अब मैं वीडियो के इक्वल ले लूँगा, ठीक है। इसको भी आप ऐसे मतलब मैं जैसे इमेज को बड़ा कर रहा हूँ ना उस तरीके से आप वीडियो को भी है वो बड़ा कर सकते हो। देखिए जैसे मैं इस इमेज को ऐसे छोटा बड़ा कर रहा हूँ उस तरीके से आप इस वीडियो को भी छोटा बड़ा कर सकते हो, नहीं तो छोटा बड़ा नहीं होता है तो आप कॉपी करके यहाँ पर वापस है वो पेस्ट कर सकते हो ऐसे आ जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर तक सेट कर दिया। अब इस ग्रीन इफेक्ट को हटाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ये देखिए इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये देखिए। तो ये वाला आपको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ला के रखना है, जैसे आप रखते हो तब यहाँ पे कुछ ग्रीन इफेक्ट्स आ जाता है। इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करके ये जो डॉट है वो सेलेक्ट करनी है, वो ग्रीन इफेक्ट जहाँ पर भी आपको नज़र आए वहाँ पर इस डॉट को ले जा के और क्लिक करना है, तब वो ग्रीन इफेक्ट है वो हट जाएगा। ये देखिए हट गया। अब इमेज थोड़ी सही से सेटिंग नहीं है, मैं इसको भी थोड़ा सा सही से सेटिंग कर देता हूँ, ये देखिए हो गया। अब यदि आपको थोड़ा बहुत मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए हाथों पे भी हल्का हल्का हरा हरा रंग दिखाई दे रहा है, यानी ग्रीन इफेक्ट अभी भी है इसमें। तो मैं इसको वापस सेलेक्ट करूँगा और यहाँ ग्रीन इफेक्ट पे आऊँगा, सॉफ्टनेस 0 कर दूँगा और टॉरेंस को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। तो ये देखिए ये मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए हाथों पे आपको वो इफ़ेक्ट है वो दिखाई नहीं दे रहे। अब आप देखिए मैं इसको प्ले करके दिखा रहा हूँ, आप पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी दे सकते हो। मैंने ये आपको दिया है दिखाया है और मैंने ये हल्का सा वीडियो लिया है, उसकी जगह आप फोटो भी यूज़ में ले सकते हो ग्रीन इफेक्ट में। तो चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से वीडियो बनाया। इस तरीके से आप मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो वो सेट कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर। ये देखिए, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो इसको, और चाहो तो आप कॉपी और भी कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ये थोड़ा और बड़ा हो गया। और इस फोटो को भी मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा यहाँ तक ले आता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि
मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो है वो मोबाइल में एकदम सही तरीके से चल रहा है। इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल पर मोबाइल की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो होता है वो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, जिससे क्या है लोगों को थोड़ा अच्छा लगे और आपका वीडियो भी है वो थोड़ा सा बेटर लगे। तो इनमें भी मैंने ग्रीन इफेक्ट हटाया नहीं है, आप देख रहे हो ना, ये देखिए इसमें ग्रीन इफेक्ट आ रहा है। तो सेम वही प्रोसेस करना है आपको, यहाँ से ये लेना है, यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे ग्रीन इफेक्ट कलर आ जाएगा, इसको यहाँ पेंसिल वाला जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसको लेना है, ग्रीन इफेक्ट को लेके जाना है, सॉफ्टनेस जीरो करना है और टॉरेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ये देखिए। और सेम प्रोसेस है वो इस पर भी करना है। तो इस तरीके से आप है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो एडिट कर सकते हो कैमटेशिया सॉफ्टवेयर के अंदर, मैंने बताया। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर में करते हो तो लगभग ऐसा ही प्रोसेस आपको मिलेगा जिसके अंदर आप है एडिटिंग कर पाओगे, जिससे आपका वीडियो थोड़ा अच्छा लगे, जो आपके व्यूवर्स हैं जो आपके वीडियो देख रहे हैं उन पे थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा लगे। तो ये इस तरीके से है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो जो मोबाइल की होती है वो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। फिर भी आपके कोई वीडियो में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई वो जरूर दूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर फोन स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इस हिसाब से आप वो एडिट कर सकते हो और लगा सकते हो। अब मैंने जो इफेक्ट लगाया है उस हिसाब से आपको जो बेस्ट इफेक्ट लगे, वीडियो है तो वीडियो लगा सकते हो, यदि फोटो है तो फोटो लगा सकते हो, इस हिसाब से जो भी आप बैकग्राउंड देना चाहते हो फोन को उस हिसाब से बैकग्राउंड दे सकते हो और वीडियो है वो अच्छी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो वो मैं लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।